स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए अहम फैसला, खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब डॉक्टर आसिफ तुफैल की जेर सदारत नेशनल हॉकी स्टेडियम में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पंजाब के तमाम डिवीजन स्पोर्ट्स अफसरान ने ऑनलाइन शिरकत की। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि राइजिंग पंजाब गेम से नया टैलेंट सामने आया है, कोशिश है खिलाड़ियों को मार्च से स्कॉलरशिप दी जाए। इंटर डिवीजन टॉप खिलाड़ियों को एक साल के लिए 70, 50 और 30 हजार रुपए दिए जाएं। इंटर डिवीजन में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले टॉप खिलाड़ियों के तरबियती कैंप्स भी जल्द शुरू किए जाएंगे ताकि खिलाड़ियों की गेम्स को मजीद बेहतर किया जा सके। अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम को स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए अहम करार दिया गया। इजलास में स्पोर्ट्स कैलेंडर की अहमियत को वाजे करते हुए उनका कहना था कि स्पोर्ट्स कैलेंडर का मकसद स्पोर्ट्स की तरक्की है। राइजिंग पंजाब गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की जल्द टीमें तश्कील देकर उनको 35वें नेशनल गेम्स के लिए तैयार किए जाने पर भी इत्तेफाक किया गया। स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को खुसूसी अहकामात जारी करते हुए डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा कि स्पोर्ट्स अफसरान अपने दफातर स्टेडियम्स में शिफ्ट करें ताकि खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम इंटर डिवीजन मुकाबले और राइजिंग पंजाब गेम्स 2024 का इनकाद खुशाइन था, इसे सराहा गया, ताहम ये सिर्फ 50% अमल था। स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक अब खिलाड़ियों के तरबियती कैंप्स और फिर पंजाब की टीमें तश्कील देनी हैं ताकि 35वें नेशनल गेम्स समेत बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के लिए हमारे खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। इजलास में स्पोर्ट्स क्लब रजिस्ट्रेशन के अमल का भी जायजा लिया गया, जिसमें मैस रेसलिंग और डॉज बॉल के हवाले से भी मशावरत की गई।